अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एमएस एक्सेस की एक प्रॉपर्टी होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेरा नाम खिजर मुस्तफ़ा है। तो देखिए ये क्या चीज़ करती है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है कि यहाँ पर मैंने एक स्लाइड में लिखा हुआ है कि कोई भी हम फील्ड बनाते हैं, ठीक है ना, ख़ास तौर पर नंबर फील्ड, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। तो इन सम केसेस वैल्यू ऑफ द रिकॉर्ड इन अ सर्टेन फील्ड इज़ द सेम। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट, इनसे हम खुद अपनी तरफ से भी सेट कर सकते हैं। तो वो कहाँ पर होती है, प्रॉपर्टी में जाएँ और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ कि जी क्या कर देता हूँ कि ट्रेडमार्क, और इसकी मैं वैल्यू डाटा टाइप नंबर मैंने कर दिया। तो देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली उसने बता दी है मुझे। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ कि यार मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या चाहिए, 100 चाहिए। ओ सॉरी, पहले ज़ीरो करके दिखाता हूँ ना मैं आपको। तो इस टेबल को सेव किया, तो देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरे पास ज़ीरो आ रही है, ठीक है। मैं और करता रहता हूँ और देखिए ज़ीरो आ गई, फिर ज़ीरो आ गई, फिर ज़ीरो आ गई, फिर ज़ीरो 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 ज़ीरो। तो मैं चाहता हूँ कि ये ज़ीरो ज़ीरो मेरे पास इस तरह से ना आए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जाता हूँ और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कुछ और कर देता हूँ कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरे पास क्या आ जाए जी, 100 आ जाए। सेव किया टेबल को, गए उधर, तो देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली 100 आ गई। मैं इसको अब चेंज करना चाहता हूँ कि इसको 50 कर दूँ। जो नेक्स्ट है ना जी, देख रहे हैं, तो उसने 100 ऑटोमेटिकली दे दी। क्यों? क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने वहाँ पर सेट की हुई थी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है कि कुछ फील्ड्स की जो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फील्ड में हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।